कला सवाल आपसे से लेते हैं, आपके लिए लव दोबारा क्या मायने रखती है और आपके अनुसार फिल्म की यूएसपी क्या है? लुक या सेंटर? लव दोबारा मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आफ्टर डूइंग सेवरल टीवी शोज वेब सीरीज लव दोबारा इज़ माई फर्स्ट फिल्म सो इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल और आई थिंक अभी आपने एक सवाल पूछा था अनुज से कि लव स्टोरीज क्यों नहीं बन रही हैं तो आई थिंक यही लव दोबारा की यूएसपी होगी कि इन द करेंट सिनेरियो ऑफ वायलेंट मूवीज थ्रिलर हॉरर एवरीथिंग लव दोबारा विल ब्रिंग रोमांस बैक. माय शेड इज अभी मैं ज़्यादा अपने कैरेक्टर के बारे में बता नहीं पाऊँगी बट डेफिनेटली आई एम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी एंड मैं एक ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड से हूँ और इस फिल्म की शूटिंग न सिर्फ उत्तराखंड में हो रही है बल्कि मेरे ही कॉलेज में हो रही है जहाँ से आई डिड माई इंजीनियरिंग. यस सो दैट्स द थिंग दैट आई कैन टेल अबाउट द फिल्म एंड मेरा कैरेक्टर तो है ही इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा खास बात यही है कि मैं उसमें अपने ही कॉलेज में शूट करूँगी जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी वहाँ पे मैं स्टूडेंट से डील करने वाली हूँ सो इट्स गोइंग टू बी स्पेशल. शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने कॉलेज के लिए? शूट तो अभी करने वाले हैं हम तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार होगा बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स होंगे जो भी आसपास देखने वाले होंगे फैकल्टी के मेम्बर्स होंगे वो बहुत खुश होंगे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो बहुत मज़ा आएगा आई एम श्योर. आप बताइए आपके किरदार के बारे में कुछ. फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबको नमस्ते, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए. मेरा नाम श्रीजिता घोष है और इस मूवी में मैं नंदिनी की भूमिका प्ले कर रही हूँ. नंदिनी जो है वो उत्तराखंड की जो मिनिस्टर है पार्लियामेंट की जो सदस्य है उनकी बेटी है तो शी इज़ मतलब बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड है बचपन से एंड जैसे होता है मतलब बड़े घर में पली बड़ी है सो उसका एटीट्यूड बहुत अलग है. शी इज़ वेरी मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल एंड केयर फ्री उसको ऐसा मतलब शी द कैरेक्टर शी इज़ प्लेइंग लाइक दैट बट व्हेन शी फॉल्स इन लव विद अ पर्सन विद अ ऑर्डिनरी गाय तब उसका क्या टर्न होता है एंड देन हाउ मतलब किस तरीके से मतलब लव जो होता है वो ओरिजिनली क्या होता है इस मूवी में बताया गया है तो एक लड़की के अंदर किस तरीके के इमोशंस आते हैं और अपने प्यार के लिए वो किस हद तक जा सकती है एवरीथिंग इट विल बी शोन इन दिस कैरेक्टर. आप दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रायंगल लव स्टोरी है? हम बताएंगे नहीं वो सीक्रेट है वो हम आपको बता नहीं सकते लेकिन मैं भी इन्होंने अभी अभी अपने कैरेक्टर का नाम बताया तो मुझे पता चल गया कि कैरेक्टर का नाम मैं भी बता सकती हूँ. इट्स अलाउड. सो मेरे कैरेक्टर का नाम है मोनिका एंड अपने ही कॉलेज की प्रिंसिपल का रोल प्ले करना कितने लोगों की किस्मत में होता है तो आई एम ब्लेस्ड आई गेस. म्यूजिक तो आई एम ऑल्सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि मैंने जितना सुना है जो लिरिक्स है वो अभी के टाइम पे इट विल बी वेरी डिफरेंट एंड नाइस बिकॉज अभी हम जितना भी सुनते हैं ज़्यादा ट्रांस म्यूज़िक और थोड़ा ज़्यादा मतलब म्यूज़िक अलग रहता है बट दिस इज़ समथिंग वेरी सूदिंग और लव वो जो जनरेशन मतलब जो 90s में हम लोग सुनते थे शायद वो वापस आएगा इस रोमांस रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर किसी को लगता है कि यश चोपड़ा की फिल्में जिस तरह से रोमांस को होती है उस तरह क्योंकि आपके भी मन में कभी बचपन से इस तरह की कल्पना रही है कि बहुत साड़ी उस तरह के लोकेशन पिक्चर्स में दिख रहे हैं आपको भी बड़े होकर इस तरह का मौका मिले कभी ऐसे ख्याल आते हैं हर लड़की को ये ख्याल आता है. हर कोई डांस करना चाहता है स्विट्जरलैंड में साड़ी पहन के बर्फ के बीच में. एंड मेरा तो ऐसा था कि जब मैं कोई मूवीज देखती थी बचपन से तो वो कैरेक्टर में खुद को इमेजिन करने लगती थी तो वो हीरोइन में हूँ ऐसा इमेजिनेशन आता था तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है. लव मीन्स समथिंग आई ऑलवेज फील के जहाँ पे लव मीन्स होम मतलब किस एक पर्सन के अंदर जब आप होम देख सकते हो अपना घर देख सकते हो दैट इज़ कॉल्ड लव. के कुछ भी हो जाए लाइफ में एक पर्सन होगा जो कि विदाउट जजमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा एक पर्सन होगा जिसके पास कुछ भी हो जाए पर आपके लिए थोड़ा सा टाइम होगा एंड द एंड ऑफ द डे आप जब सब कुछ मतलब छोड़ के भी आओगे तो यू नो समबडी इज़ देयर फॉर यू. सो आई थिंक नाउअडेज़ आवर जनरेशन यू नो मिसिंग आउट द टाइम एंड ऑल तो बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें बट या दिस मूवी में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप बहुत सारी चीज़ें. प्यार दोस्ती है प्यार दोस्ती है प्यार रिस्पेक्ट है लव इज एन एमलगमेशन ऑफ ऑल दीज ब्यूटिफुल फीलिंग्स इज व्हाट आई फील. हाँ जी लव दोबारा हो सकता है जैसे आप कह दो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है आपने लिखा है लव दोबारा फिल्म का नाम है
बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इट्स एन इमोशन. बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, पूछिए ना प्लीज. हो गया सबका? नहीं नहीं, जवाब आपने कंप्लीट नहीं किया. अच्छा, दोबारा हो सकता है कि अगर हो सकता है तो फिर लव कैसे हुआ? वो तो सौदा हो गया. मुझे नहीं सौदा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि लव नहीं, ये हमने एक्चुअली पेडेस्टल पे कुछ लोगों को डाला है तो वो एक अलग चीज़ है. लेकिन प्यार सिर्फ किसी पार्टनर से ही नहीं होता, प्यार तो माँ से भी होता है, पापा से भी होता है, भाई बहन से होता है. तो लव की कई सारी मायने हैं, बहुत मायने हैं. तो सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जिसमें लव दोबारा हो सकता है, और सौदा नहीं है, प्यार कभी सौदा नहीं होता. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बीमारी भी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम इंसान हैं तो सही है, बीमार हो सकते हैं. और उसके जरिए अगर किसी के बीच में प्यार हो जाता है तो आई मीन सबसे कंपैशनेट लव, यस, अ ट्रू लव. तो ऐसा ही होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम में भी रहो तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीस है. तो लव बहुत ज़्यादा पीस लेके आता है लाइफ में, सो इट्स नॉट लाइक बीमारी ऑलवेज. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Kamal Kishore Thakur, the writer of this film, Love Dobara, and he is also a director. So, welcome you all. बताओ भाई. अच्छा, मैंने तो देखा भी नहीं अभी. हाँ हाँ, वो उनसे बात करिए, हमसे हमारे वाले करिए. जो सबको प्यारी है, चाहते हैं सबकी ये लग जाए, तो वही वाली बीमारी लगी हुई है. दोबारा क्यों नहीं लग सकते? दो दो बार लोगों को कोरोना हो गया, प्यार दोबारा क्यों नहीं? पहली पहली गलती को सुधारा जा सकता है, पहले गड़बड़ हो जाए तो दोबारा सुधार. हाँ जी, आपकी फिल्म को लोग क्यों देखें, क्या यूएसपी मानते हैं? इसमें जो दोबारा प्यार आपने पूछा, लड़की कैसे अपने प्यार के लिए, प्यार केवल पाना नहीं है, उस आपको स्टोरी का अगर थोड़ा सा पता हो, लड़की जिसको प्यार करती है उसके इलाज के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ जाके, अब मैं सुनाने जाऊँगा तो सारी स्टोरी डिक्लेयर हो जाएगी. काफ़ी कुछ है इसमें, सेक्रीफाइस है. और पूछो. फिल्म में पूरा सेक्रीफाइस ही दिखाया गया? बहुत नहीं, बहुत कुछ है. कौन कौन से इमोशन है, किस तरह से आप सिनेमा के रुपेले पर्दे पर उसको उभारेंगे, लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे? आज लोगों को इंस्टेंट सारी चीजें चाहिए, रोमांटिक फिल्में नहीं चलती है, इस दौर में आपने इस तरह की फिल्म लाई है, क्यों देखेंगे लोग? हेमंत जी, ऐसा होता है, रोमांटिक फिल्म चल रही है आजकल? नहीं, ऐसा भी नहीं है. देखिए, मैं तो आपको देखिए, मैं तो कलाकार के तौर पे आपको बोलूँ, मैं अपने डायरेक्टर साहब का, अपनी टीम का, अभिषेक का और अवनी का, पवन का, सबका, वो ये दोस्त होने के नाते हम एक साथ दे रहे हैं. क्योंकि आज का दौर जो सिनेमा का है उसमें कॉरपोरेट के अलावा हर किसी का पनप पाना या पैदा होना या ज़िंदा होना बहुत ही मुश्किल काम है, जो आप सब लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं. ऐसे में कोई व्यक्ति पिक्चर बना रहा हो और आपके आसपास का हो तो उसको हम सब ने ही सहयोग देना है, क्योंकि नहीं तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर ख़त्म ही हो जाएगा पूरी तरह. जबकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था, कहीं से भी कोई आदमी आकर के पिक्चर बनाता तो बहुत सारी पिक्चरें बनती थी. तो ये क्रम हमेशा बनता रहे, चलता रहे, और ऐसे में कोई अच्छी फिल्म निकल के आ जाए
तो वो फिर इतिहास भी गढ़ती है, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। कॉमेडी का एक दौर आता है, फिर एक्शन का एक दौर आता है, फिर रोमांस का एक दौर आता है। वो समय सब आप सबने देखा है, हमने भी देखा है। तो मैं तो सिर्फ शुभकामना के तौर पे पूरी टीम को, सारे कलाकारों को बड़े ऊर्जा के साथ आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने मेहनत से इसको शुरू करिए, तो अच्छा पिक्चर बनाएंगे तो लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। वो आप सब आप लोग बताइए भाई, कब से है क्या है, हमको मई की डेट मांगी गई है, आप बताइए। कहाँ का शूट होनी है, क्या क्या तय किया आपने, कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं? सर अभी तो उत्तराखंड में हम लोग प्लान कर रहे हैं, माइक ऑन कर, फाइनल लोकेशन नहीं है। माइक ऑन नहीं है, माइक ऑफ है सर। ओके हाँ जी बताइए सर। उत्तराखंड में भी प्लान किया हमने, फाइनल लोकेशन भी सेलेक्ट करना बाकी है, देखा है लोकेशन, 30-35 डेज का शूट है तो देखते हैं। सारी फिल्म का उत्तराखंड में होगी? हाँ। उत्तराखंड को चुनने के पीछे क्या खास वजह है? उत्तराखंड की ब्यूटी है, उत्तराखंड की खूबसूरती है, क्योंकि हम जैसे प्यार को खूबसूरती मानते हैं, तो उत्तराखंड की जो पहाड़े हैं, वादियाँ हैं, उससे बेटर क्या हो सकता है, मौकत को दिखाने का। आजकल फिल्में कहीं ना कहीं क्रोमा पर शूट हो रही है, वीएफएक्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में जो ओरिजिनल लोकेशन है वो बहुत कम शूट होते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है फिर तो वो दौर दोबारा लाना चाहते हैं सर आप? सर वो डिपेंड करता है ना हमारा कहानी कैसा है, अगर रहा कि जाना है स्पेस में तो करेंगे लव स्टोरी स्पेस में ही, यदि हमारा कहानी उत्तराखंड भेज देते हैं। क्या अगर आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो वापस प्यार हो सकता है, वही पूछते हमारे कहानी बहुत मौज लेते हो यार तुम लोग। यहाँ पे तो पहली बार भी नहीं हो पा रहा। कौन है ये? देखो देखो शाबाश, चलो शूटिंग में चलो, शूटिंग में चलो तुम। रूप जी बताओ भाई, तो दिखना चाहिए डायरेक्टर सही बताएंगे। कौन है फिल्म की लीड एक्ट्रेस? कौन है? सुचिता घोष इज द लीड एक्ट्रेस, देन वी हैव अनुज सैनी एंड बादल राज। दिस इज अ ट्रायंगुलर थिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ एंड इट्स अ वुमन सेंट्रिक स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। तो इन हिंदी सिनेमा मोस्टली द मूवीज वी सी इन लव स्टोरीज आर बेस्ड ऑन लाइक मेल पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द मूवी दैट वी आर डूइंग ऑन फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So that's why we have two heroes. I don't want to say more about the story because then we'll leak the plot to you. So uske alawa if you have something to ask, why we have chosen Uttarakhand is also a very beautiful place. There's nothing better to do explore basically. Right? You can beautify this and according to the book Churba Gal thing. So the point is ki of course she's beautiful and the role. ज़्यादातर अधिकतर स्टार कास्ट इतनी जानी पहचानी नहीं है, कुछ खास कारण क्योंकि कई नए फिल्मों को बेचने के लिए एक बड़ा चेहरा की बहुत आवश्यकता होती है आज के दौर में, कैसे बेचेंगे सर आप? सर ये सब जवाब हमारे प्रोड्यूसर साहब बताइए। प्रोड्यूसर साहब डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाएंगे। उत्तराखंड में हम प्लान कर रहे हैं शूट के लिए और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट। थैंक यू भाई। तो इन्होंने जो मुझे वो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन किरदार इसमें मैं निभा रहा हूँ, उसमें हमारे
दीपराज राणा और मैं साथ में होंगे। और इस वक्त मैं 19 तारीख को हमारी एक पिक्चर आ रही है लव यू शंकर, श्रेयस तलपड़े और मैं उसमें, और आजकल मैं इसकी शूटिंग कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल। और जो आप वर्चुअल वाली बोल रहे हैं विक्रम भट्ट जी की जो हॉन्टेड 2 है उसमें भी एक बहुत बढ़िया किरदार कर रहा हूँ। और ये तो गर्मियों में उत्तराखंड जाने का मौका मिला है तो छुट्टी मना के आने दीजिए बस। थैंक यू। मेरा नाम ज्योति गाबा है और मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। मैंने करीबन 600-700 के ऊपर एड्स किए हैं। टीवी शोज़ 12-14 साल से कर रही हूँ एंड फिल्म्स मैंने की हैं गिनी चुनी। मेरी अभी फिल्म रिलीज़ होगी इसी मंथ मैं लड़ेगा, और नेक्स्ट मंथ मैं उत्तराखंड जा रही हूँ लव दोबारा फिल्म शूट करने के लिए। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उत्तराखंड में शूट करूँगी। अच्छी जगह पर हम जा रहे हैं। सो लोकेशन इज़ ब्यूटीफुल। मैं हीरोइन की मॉम का किरदार निभा रही हूँ। कैरेक्टर नाम मेरा है रोहिणी। बहुत ही लविंग पैशनेट केयरिंग मॉम हूँ मैं फिल्म में। उससे ज़्यादा मैं अब नहीं रिवील करना चाहूँगी अपने कैरेक्टर के बारे में। मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूँ क्या? तो मेरा नाम रूप दुर्गापाल है और मैंने अपने करियर की शुरुआत बालिका वधू सीरियल से की थी। आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा। और उसके बाद मैंने 13-14 टीवी शोज़ किए, स्वरागिनी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, तुझसे है राब्ता, और अभी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ। ऑब्वियसली प्रकाश झा सर के साथ मेरी पहली वेब सीरीज़ बहुत जल्द आप लोग देखेंगे, उसमें नाना पाटेकर भी हैं और मैं ज़ीशान अयूब के ऑपोजिट हूँ। और एक दूसरी मेरी वेब सीरीज़ कैंपस बीट्स ऑलरेडी ऑन एयर है अमेजोन पे, एंड नेक्स्ट इज लव दोबारा। थैंक यू। हो गया। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, जाइए सबको साथ में। लव दोबारा की बात की जाए तो एक बार होता है ना, लव दोबारा इसके बाद। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमसे मिलने आए, हम लोगों को आपने टाइम दिया। कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, तो देखो ये जो हमारी फिल्म का टाइटल है लव दोबारा, इसके भी दो ही मतलब हैं कि या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही इंसान से दोबारा लव हो जाए। तो उसके लिए ज़्यादा डिटेल्स मैं चाहूँगा कि वो डायरेक्टर से जब आएंगे वो आपको बता पाएंगे। आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो एक अच्छा, हमारी फिल्म थोड़ी कॉलेज के ऊपर बेस्ड है, इतना तो मैं बता सकता हूं ना शायद सर? हाँ, कॉलेज के ऊपर बेस्ड है और कॉलेज का स्टूडेंट हूं मैं। उसी में कुछ लव का एंगल है, कुछ हेट का एंगल है, कुछ एक्शन है, कुछ फन है, कुछ रोमांस है। और, वही तो ट्विस्ट है सर, वही तो ट्विस्ट है। इसमें डॉक्टर का भी सिंबल लगा हुआ है, हार्ट भी लगा हुआ है, तो वो भी एक कहानी का एक पहलू है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू है। जब आप डॉक्टर के सिंबल की सिग्निफिकेंस देखोगे हमारी फिल्म में तो आपको पता चलेगा। एक दौर हुआ करता था जब कोई नया हीरो आता था तो रोमांटिक फिल्म है यानी गारंटी होती थी कि वो सक्सेस होगी, लेकिन आजकल लोगों का टेस्ट काफी बदल चुका है, रोमांटिक फिल्में इतनी नहीं चलती, क्या कारण मानते हैं आप? सर इसका कारण विश्वास भी नहीं रहा लोगों का। वो तो मुझे नहीं पता लव पे विश्वास रहा है नहीं रहा, बट हाँ ये मेरे को कारण पर्सनली ऐसा लगता है कि जब पैंडेमिक हुआ ना तो लोगों ने लॉकडाउन में वर्ल्ड सिनेमा देख लिया, तो अब हम रोमांटिक फिल्म्स बहुत टाइम से देखते आ रहे थे, तो उसके साथ हमको फिल्म में कुछ और एक एलिमेंट भी चाहिए। बेसिकली आज की डेट में असली हीरो मेरे अनुसार कॉन्टेंट होता है, तो कॉन्टेंट अगर आपका अच्छा है तो वो चलेगी, वो चाहे रोमांटिक फिल्म हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कोई भी हो। इट्स लाइक दैट। फिल्म में गानों की आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, वैरायटी सुनने को मिलेगी। उसमें आपको हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग्स भी मिलेंगे, सैड भी मिलेंगे, दिल टूटने वाले भी मिलेंगे, और जब नया नया प्यार होता है पेट में बटरफ्लाईज होती हैं वो वाले भी मिलेंगे। आप लव में कितना विश्वास रखते हैं? ये अल्टरनेट पार्टनर्स का जो ट्रेंड चला है उस पर आपकी क्या रिएक्शन है?
देखो लव में तो मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, मेरे हिसाब से दुनिया लव पे ही चल रही है। ये लव ही है कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर मेरे से बात कर रहे हो, ये लव ही है कि यहाँ पे इतनी प्रिटी लेडीज़ बैठी हुई है जिनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिलेगा। और ऑल्टरनेट लव तो मुझे पता नहीं क्या होता, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दैट। बट लव तो सभी लोग करते हैं, लव तो अलग तरीके का ये जो सब पहला जो प्यार होता है वो लव दिखता ही है, क्या इसमें जो दोबारा लव है क्या ये हट के कुछ लव पहले के अपेक्षा भी इसमें? हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जैसे टिपिकल लव स्टोरी होती है वो नहीं होगी इसमें। जैसे कि आप डॉक्टर का साइन भी देख चुके हो तो इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इमोशंस का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, तो इसमें आपको अलग हट के लव स्टोरी मिलेगी और लव स्टोरी के साथ एक और भी एंगल मिलेगा, वो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता नहीं तो वो मेरे को डांटेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। अरे अभिषेक इधर आओ, अभिषेक इधर आओ, चलो थैंक यू भाई। आप लोग भी आ जाओ अंदर थोड़ा।